गैस गोवा बहुत बदल चुका है। जो मैं सोच के आया था वो नहीं है। मैं डाकू, मैं डाकू। ठीक है, मतलब गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की शुरुआत हो गई है बहुत ही लेट। हम निकलने वाले हैं दोमोदा गोवा के लिए, क्योंकि वहाँ पे होने वाला है एग्जिबिट। मोहित भाई निकल चुके हैं, पापा को बहुत से बताया था। और आपको आया कनाडा से सीधा 14 घंटे की फ्लाइट लेके आया हूँ। नहीं नहीं, मैंने उसको ही देखा था, वो सिर्फ खुद ही बोल रहा था। फिर वो उनका अपना जो भी चला हुआ कि भी कैसे क्या कैसे वो करना उसके साथ। किसके साथ? अपना वाइफ के साथ ना भाई, वो अकेली क्या करेगी, वो कह रहा जॉब कर ले। बॉम्बे में, मैंने कहा बॉम्बे थोड़ी रहोगे, पहाड़ों पे रहो मस्त। आजकल जॉब वैसी हो जाती है। हाँ, सिखा रहा था मम्मी ने, अनलॉक किया सारे शीशे नीचे हो गए। शीशा खुल गया। चलो बाय। हम जा रहे हैं 10 साल बाद गोवा। नहीं, वैसे भी गए थे। तू बंदा हो रहा है, चला जा अभी। थोड़ा भाई, मेरी फ्लाइट है। अबे यार छोड़ा क्या, जब तुम मैंने तेरे गाली दे दी, गाली दे दी, फिर गाली दे दी। मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है भाई, तेरे को मार देगा तू, शीशा नहीं देखेगा। मेरी फ्लाइट है भाई, मेरी फ्लाइट है, लेट हो रहा हूँ, जाने दे। राम जिंदा ही नहीं है, कदहड़ा। मुझे कल ही सारे सामान लेके होटल जाना चाहिए था, गाड़ी यहीं छोड़ दो, यहीं से यहाँ चले जाता। मैं वापस होटल से घर गया हूँ नोएडा, फिर वापस यहाँ पे आया हूँ, 2 घंटा तो इसे वेस्ट हो गए। एनीवेज, सब्सक्राइबर्स जिंदाबाद। एक अभी मेरे पास नंबर सबके सेव रखा हूँ, दोस्ती करने का ये फायदा होता है। मैंने एक बंदे का सेव कर, एक तो मेरे को बंदा मिला था जब विस्तार ऐसा खुलाब था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने पिछली बार मैंने उसका नंबर मोहित भाई को दिया था, तो मोहित भाई को 55 मिनट पहले अंदर क्रॉस करा दिया था। फिर मेरे को याद है एक और फ्रेंड है लक्ष्य, उसका मैंने नाम सेव कर रखा था लक्ष्य विस्तारा गाय। फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा भाई, क्योंकि इतनी जल्दी 1.5 घंटे पहले टिकट भी नहीं बुक होती, और मैं देख रहा था मैं 1 मिनट ट्रिप पे, और वो सारी गायब भी हो गई। सो दो मादा हो गया। फिर उस मैंने उसको बोला भाई बुक कर दे, फिर उसने बुक भी करा दी। और किसी को फ़ोन आया, वो फ़ोन करके कहते कि मैं आपका बोर्डिंग पास थोड़ी पास रेडी रखती हूँ, आप जैसे आओगे वी। ये सही जुगाड़ है। तो अभी हम 1 घंटा 10 मिनट पहले पहुँचेंगे, वो बैग ले लेंगे और मेरे को बोर्डिंग पास दे देंगे, मैं सीधा अंदर। एक घंटा बचा है, कहाँ है अब ये? 5 मिनट में सब कुछ हो गया, अंदर आ गया, आराम से चेक भी कर लिया। अब जा रहा हूँ मैं द गेट पे, लाउंज नहीं गए बस। आज देखो 6:40 है, 5 मिनट में मैं अंदर था। और नेक्स्ट ईयर तक विस्तारा एयर इंडिया बन जाएगा। हेलो, 2.5 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से दिल्ली टू गोवा। पता नहीं कितने टाइम बाद जा रहा हूँ मैं गोवा पार्टी करने। अब हमारा 74 भाई पहुँच चुका है वहाँ पे, उसकी वजह से मैं आज जा रहा हूँ, नहीं तो मैं कल जाता। किसी को बताया नहीं, बट सुबह की फ्लाइट थी मेरी, वो मिस हो गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। गाइस, हम पहुंच चुके हैं गोवा भाई। मौसम तो यहाँ पे सही है, दिल्ली की गर्मी से तो बहुत ही अच्छा है। तुम क्यों छुप रहे हो? ये देखो छुप रहे हैं। टैक्सी बहुत महंगी है यहाँ पे, ऊबर चलती नहीं है, स्कैम कर रखा है। मोहित भाई कहते हैं 1200 में, 1500 ले रहे हैं कैंडल लेन तक जाने के। कल हम ले लेंगे, रेंट कर लेंगे गाड़ी, उसके बाद ये लफड़ा नहीं होगा। कोई ज़्यादा नहीं लिया सर, टेंशन मत लो। गाइस ये देखना गोवा का सी लिंक, कुटा लिंक। यहाँ से स्कूटी पे जाते थे हम। अरे 13 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। नीचे और एक ब्रिज सर। अच्छा एक और ब्रिज है नीचे। हाँ वही बोला हमने। अच्छा ये था पहले ब्रिज 13 साल पहले? तो वही तो कह रहा हूँ, था ही नहीं, ऐसे नीचे से जाते थे। फिर यहाँ पे पहाड़ टाइप होता था ऐसे, नीचे का बनाया, यही ऊपर बनाया। और इसका ऊपर एडवन जाता है ना, कंपलसरी बाइक लो तो 3000 रुपये 4000 फाइन देना। कैमरा भी उठा ले, बचपन की सारी मेमोरीज याद आ गई। इसी बात पे तो मैं एक कहानी बताता हूँ। हमने अर्नब ने ना एक पिक्चर देख ली थी 21, उसमें क्या होता है वो लास वेगस जाते थे हर हफ्ते जुआ खेलने। उसको पता नहीं कहाँ से कीड़ा पड़ गया कि हम जाएंगे। उन्होंने हम हर हफ्ते फ्राइडे को जाते थे गोवा,
और हमारे पास आईडी भी नहीं होता था। तो पहले 2010 या समथिंग में रूल था कि 18 तक से ऊपर जा सकते हैं। तो जब हम 18 के भी नहीं थे तो हम अपने दोस्तों के ना आईडी उसके ऊपर ऐसे फोटो चिपकाते थे, लेमिनेट करा के ले आते थे, ऐसे दिखा के अंदर घुस जाते थे। फिर अंदर रात को जाते थे 11 बजे, सुबह आते थे 7:30 बजे आते थे, पूरी रात जुआ खेलते थे। मतलब बहुत पैसे कमाए हमने, 20,000 रुपये लेके बैठे थे पहली रात पे, 100,000 रुपये थे। फिर से आते थे, फिर 1 से 2, 2.5 करते थे, फिर 2.5 से 5, ऐसे हर बार आते रहते थे, पैसे पूरा टाइम यही करते रहते। बड़ी गंदी जरूरत थी। और भी उसमें बड़ी सारी चीज़ें होती थी, दारू और खाना फ्री होता था, आराम से बैठो मस्त दारू पियो मस्त खाओ। आई थिंक 2,000 रुपये एंट्री होती थी या कुछ होता था। ऐसे एक छोटी सी बोट में जाते थे, फिर बस पहले प्राइड अंदर था, चांसेस था, ये था कैसीनो रॉयल, अब तो चेंज हो गया इसका नाम कुछ मैजेस्टिक। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने विला में, क्वाइट हैप्पी क्योंकि बाकी सब सो रहे हैं। मोहित भाई भी आए हुए हैं और साथ में सुखी भाजी भी आए हुए हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने विला में, खाली है भाई, इतना बड़ा विला लोग ही नहीं है, 3 जने हैं हम अभी। कल अभिनव भाई आ जाएंगे और पता नहीं, पूछा मैंने सबसे था, करण से भी बोला था भाई आ जाओ, किसी ने आंटी है भाई बहुत बड़ा विला है। अब इसका टूर तुम्हें कल सुबह मिलेगा, स्विमिंग पूल भी है, नीचे 2 बेडरूम है, इधर 3 है। स्विमिंग पूल का एक्सक्यूज मी, ओ भाई कितना बड़ा ये। अच्छा हम उधर रह रहे हैं, वो स्विमिंग पूल, ये गार्डन एरिया, ये कोई पार्टी प्लेस है, नहीं पार्टी प्लेस उधर है, ये प्रोजेक्टर एरिया है, बहुत कुछ है भाई यहाँ पे तो, नाइस हॉल्स। एनीवेज अपूर्वा और वो अपूर्वा एंड फ्रेंड्स ने अलग विला लिया है, उसकी अलग गॉसिप है। जब से ये थला से थुलू से खुले हैं, मैं आज तक गोवा में पार्टी नहीं की है। मैं जब आता था तो होता था, एक होता था बागा में होती थी टीटोज, फिर एक कोई जगह थी वहाँ पर ना हर फ्लोर पर अलग अलग गाने बजते थे, मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ पे ऐसे कवर चार्ज होता था 1200 रुपये दो और फिर दारू जितनी मर्जी पीनी है पियो। मेरे पास फोटो वोटोज होंगी, गुड्डे से पूछता हूँ क्या जगह थी वो। हाँ बट ये सब चीज़ें LWT BW पता नहीं है क्या कहने यहाँ खुल गया है, उसमें देखा हमने। देखो बड़ी अच्छी पार्टी चल रही है। अरे क्या हुआ, खबर क्या है? कर ली गाड़ी रेंट होगी भाई, जितने की टैक्सी आ रही थी 1500 रुपये लेते हैं छोड़ने के, और 1600 में रेंट में मिलेगी गाड़ी। अच्छा ये बारबेक्यू है, ये गाइस बारबेक्यू एरिया है, दिन में वैसे अच्छा दिखेगा, अभी मैं ऐसे दूर दूर से दिखा देता हूँ। और ये सारा गार्डन है, हाँ सारा गार्डन, नाइस वॉन्स, गुड टीरवा, थोड़ा ओल्डिश है बट सही है पार्टी के लिए, तो अगर रौनक लगेगी तो बढ़िया पार्टी हो सकती है इधर। तभी तो मेरे को देखती जगह आइडिया आ गया, इधर इधर ये पूरी फुल वाइब। तो ये तो 4 कमरे हैं, अच्छा एक एक बंद है ना, अरे हाँ एक बंद है, 3 ओपन है, 2 इसके नीचे हैं। चलो चीयर्स करो। मैं का आपने आज का टाइटल देखा, ट्रैवलिंग एजेंसी को पिलाई दारू चखा तो दी थी हमने नाइस। ये पार्टी रूम है गाइस, एक एसी बंद करो, बहुत ठंड है बाजी। अपना वो डायलॉग तो बोल दो, कल हमने मेरी फ्रेंड थी उसका वाइवा लिया था देखा उसको बस ये पता था आई एम बैक, मोटर होम की प्राइस नहीं बता दी। ये देखो स्क्रैच, ये तो बारिश हो रही है ना, साला स्क्रैच दिखेगा भी नहीं। सो गाइस फाइनली हमें गाड़ी मिल चुकी है, बढ़िया एकदम। अब थोड़ी जान में जाना है क्योंकि गाड़ी नहीं होती ना तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि टैक्सी वाला सारा 1500 रुपये लेता था, गाड़ी हमें 1600 में मिल गई पूरे दिन की, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया हमने। क्यों जी, दिमाग अरे वो खुद कहता बंदा, केयर टेकर कहता रेंट पे ले लो मतलब ठीक है, क्योंकि उसने जैसे बोले यहाँ से वहाँ छोड़ने के 1500 रुपये लेगा, मैं कहा ओके गुड डे रही हूँ। AMG में तो मैंने कल पेट्रोल डलाया 2000 रुपये का, वो एक दिन मोड़ गया, एक कुछ भी नहीं आता, मैं उधर से गुड़गांव के गुड़गांव से वापस दिल्ली का था, वो भी मैं सस्ता डलाया था जो महंगा वाला उसमें भाई। नहीं वो अब था ही नहीं, कैसे पहुँचता कैसे मैं, तो मैंने हल्का सा डलवाया कि वहाँ डलवा लूँ, वहाँ डलाने भूल गया। अब वो सारा 160 रुपये लीटर है, 12,000 में टंकी फुल होती है और वो भी 4 दिन चलती है। आपकी गाड़ी 12,000 में टंकी फुल होती है? हाँ 12-14,000 में। नहीं वही उधर जाना पड़ता है साउथ एक्स में भाई, बताओ कहाँ पे दिल्ली नोएडा में कहाँ 100 ऑक्टेन मिलता है, मैंने सीट को बोला था उसने बताया नहीं मुझे। कहाँ में? सीपी कौन जाएगा? सीपी में वहाँ पे यार क्या बोलते गोल्फ क्लब है ना, दिल्ली गोल्फ क्लब। हाँ हाँ अच्छा वो, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। इसमें पार्किंग ही नहीं है, न्यूट्रल पे छोड़नी पड़ती है। ये क्या सीन है वे? पार्किंग ही नहीं है, सिर्फ डी एन और आर। अपने यहाँ फिर हैंड ब्रेक खींच देता होगा, खींचना पड़ता है ना, ये देसी हैंड ब्रेक भी है, देसी ऑटोमेटिक है। अच्छा चलो हम आगे एंग्री। अच्छा अब नाम ही भैया क्या कर सकते हैं।
अगर मोहित भाई जिस दिन पीने लग जाए ना भाई, मैं पार्टी दूंगा पूरी दुनिया को। वहां से हम छतरपुर बुक करा के 500 लोग फ्री दारू स्पॉन्सर लेके। 500 लोग गए भाई, फिर हम एक्सक्लूसिव भी तो करेंगे ना फिर हम थोड़ा सा। भाई साहब वो दिन आ नहीं सकता पृथ्वी पे, ये पी ले हम कर देंगे पास। ये मेरे से ना लिखवा लो, कल हमने पिलाई है, कल ड्रिंक में पिला के पिला दी। इतनी सी बिल्कुल मतलब वो इतनी मैं स्मेल भी नहीं पकड़ पाया। ये देखो उसी को कुछ कराओ तुम। अरे सस्ते नशे दोनों ले रहे। ये कल आपने मेरे को दारू पिलाई ना उसका असर है। अभी तक ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई नशे नहीं होते, अगले दिन तक बज रहे हो। दारू पिलाई पिला दी, हनीमून इन मालदीव्स। जिंगी का भाई जिंगी का, जिससे पहले तो कुछ बोले। गाइस हम आ गए टीडोज लेन में, अब हम ब्लॉग बना सकते हैं। नाइस वंस, यहाँ बचपन में आते थे यार, क्या भाई डेजा वो आ रहा है। टीटो यार वो फायर शॉट मारेंगे, बड़ा सेक्सी लगता है। ये अब यहीं की थी मैंने, यहीं पे फायर शॉट पिए थे। गाइस गोवा बहुत बदल चुका है, जो मैं सोच के आया था वो नहीं है। बाली अच्छा है, स्पेन अच्छा है, कबरी ग्राउंड है। अच्छी साइड भी है, वो सारे सबको खाना खिला रही है। वो 500 रुपए लेती है एक फोटो के। कौवा खिलाएगा, चिकन खिलाए भाई, छोटा 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 कर दिया। उसमें नूडल्स भी है भाई, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। एक बार प्लीज, एक बार बोल दो। तीन प्लेट पानी पूरी। अरे बनाओ ना यार। लाला जी बैठे हुए हैं। इन्हीं की है।